मुझे पसंद आ रही है मुझे पसंद नहीं आ रही दिलचस्प चीजें सबको ही ठीक लगती है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे दूसरा कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी देखने को मिल जाए कि आप कहें यार उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी और उसका वो डायलॉग बड़ा अच्छा था वो सीन बड़ा अच्छा था नहीं। नहीं। वो गाना बहुत अच्छा था वो म्यूजिक बड़ा अच्छा उन्होंने दिया था वो डायरेक्टर ने उस जगह बड़ा नजर आया डायरेक्टर right. बस इतना बहुत है कंप्लीट फिल्म में मुश्किल है तो इन सब चीज़ों में से क्या मिल रहा है टक्साली गेट में गेट में आपको एक तो जितने एक्टर्स हैं उन सबकी लाइफ की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ बड़ा दावा है बिल्कुल बहुत बड़ा दावा है और दावा ही क्या जो छोटा हो ये भी बात है कि है तो बंदा बढ़ के दावा करे नहीं वाकई अब बाबर अली से लेके जो हमारे सबसे इसमें सीनियर आदमी है फिल्म के नहीजाज साहब और मेहरबानों तक या उमर आलम तक आपको बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे

मिरासी कहते हैं जी पहले मिरास को जो खानदानी लोग होते हैं किसी किस्म के शोबे से भी वो तो ये ये जो है ये उस शोबे से है जहां पे जो गाते बजाते हैं शादियों में बुलाया जाता है ये जोक सुनाते हैं ढोलकी बजाते हैं पैसे लूटते हैं बट चूंकि अब ये कम हो गया है तो ये जो कैरेक्टर है शफीक का ये इसने अपने भाई को का काम छोड़ के और ये आयशा उमर की मोहब्बत में वो ग्रेजुएट होके पिंप हो गया ग्रेजुएट होके पिंप हो गया <laughs> आई आयशा का जो कैरेक्टर है उसका आयशा इज इन लव विद मी और मैं भी उसको पसंद करता हूं टाइप सीन है हां जी तो इंटरेस्टिंग अच्छा। है बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और right. बड़े रियल कैरेक्टर्स हैं बड़े अच्छे लिखी हुई फिल्म है आपने बड़ी रेंज दी है वैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स में

तो वो ऐसा एक इंसान था है और ऐसे इंसान हमारे किए जाते हैं तो उसको मैं नहीं मानूंगा आ, मैंने सारी जिंदगी कॉमेडी की है थिएटर में मैंने कराची से लाहौर कॉमेडी की लाहौर से आगे कॉमेडी की मेरी कोई आठ से दस टेली फिल्म हैं वो मैंने कॉमेडी की ठीक है मेरा ड्रामा है अपना शादी मुबारक जो कुबरा के साथ है Uh, उसमें मैं uh, वो पॉजिटिव है ठीक है लेकिन का बात करते हैं हैं हाँ. अब नेगेटिव नेगेटिव मैंने मैंने क्या किया किया <laughs> किया एक ये एक एक जावेद इकबाल बादशाह बेगम बांदी बांदी ये तीन मैंने, शायद ये तीन शायद ज़्यादा इंपैक्ट था क्योंकि नॉर्मली uh, इंपैक्टफुल होते जिसमें भी हो, आ, I don't know, मैंने झूठी ड्रामा किया था जब मैंने वो किया लोगों ने मुझे कहा अरे यारी क्या एक्टिंग कर रहा है ये क्या है यहाँ लोगों को पता क्या चाहिए ओवर द टॉप एक्टिंग एक आदमी है उसका नहीं पता चलना चाहिए कि प्यार कर रहा है कि बेवकूफ़ बना रहा है ना बिल्कुल क्यों वो कैमरे को देख के ऐसे ऐसे करे क्या जरूरत है इसकी आपको तो यकीन आना चाहिए था कि एंड में पता चले तो आपको हो या आप कंफ्यूज क्या कर रहा है? है नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन हमारे यहाँ होता है कि डे वन से बता दो ये ब्लैक है ये व्हाइट है और ये पिंक है तो हमारे यहाँ जिसको वो घे दिखाएंगे ना उसको इतना गे दिखा देंगे कि आपको नफरत हो जाएगी तभी तो गे से ज्यादा लोग नफरत करते हैं कि ये तो चिपकते रहते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार क्योंकि हमारे ड्रामो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि वो तो बस को बंदा देख ले तो छोड़ते नहीं है तो हर चीज़ ओवर किसकी बात बात कर रहे हैं? है? किस की बात कर रहे रहे हैं हैं किसी भी फिल्मों और, और थिएटर में हम दिखाते हैं जब कोई ऐसे कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर को तो हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि बस उसका जिंदगी का मकसद यही है जब कैसा नहीं ऐसा है तो नहीं है बिल्कुल आप दस लोगों को ऐसा कुछ जानती होंगी अपने करियर में पता नहीं क्या क्या कुछ दबाहियाँ मचा रहे हैं

क्योंकि ये आम लोगों में जब घूमता होगा बच्चे घेरता होगा तो ये विलन अगर घूमेगा तो कहां पास कोई मुझे बहुत छोटा था बहुत कम दिनों की शूट थी ज्यादा ज्यादा सीन हो रहे थे तो मैंने कहा आसर हुसैन अगर आप इसमें वही सटल एक्टिंग करने गए तो ये फिल्म तो बैठ ही जाएगी साथ में आप भी बैठ जाएंगे तो फिर मैंने

फर्क होता है। लाइट कोई फर्क भी फिल्म है। बनाने की क्या है। आज हम लोग पाकिस्तानी सिनेमा देखते हैं छोटी छोटी हैं और है। सिनेमा लगता नहीं कि चलेगा क्योंकि टिकट्स इतने नहीं बिकते जितने बिकने चाहिए और हम जब सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं तो फिल्में बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं उनके बजट्स इतने बड़े होते हैं उनके सेट उनकी प्रोडक्शन वैल्यू आउट ऑफ वर्ल्ड होती है उस सारे सिनेरियो में हमारे यहाँ बन रही हैं छोटी छोटी ठीक है बुरी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है नहीं। तो कहां फिगर आउट, फिगर करता है और ये फिल्म क्यों दोनों दोनो दुनियाओं का है। ये आपको आर्ट सिनेमा भी दिखेगा इसमें जिस तरह से ये फिल्म लिखी हुई है बहुत खूबसूरत लिखी हुई फिल्म और डायलॉग्स बहुत अच्छे है तो आपको जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत आर्टी है जो इसकी टेक है वो बहुत आरटी है मगर स्टोरी बड़ी कमर्शियल है